वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट सेलेस में। फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ फाइल है जिसको जो आप एडिट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पीडीएफ फाइल में कोई टेक्स्ट है, आप उसको निकाल करके वहां पर कोई नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो में और आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या पीसी में आकर के गूगल में सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए sejda.com, इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे इस पेज पर आ सकते हैं। इस पे आने के बाद अब यहाँ से आपको उस पीडीएफ फाइल को इसमें अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए अपलोड पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जो है आप अपनी पीडीएफ फाइल को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपकी पीडीएफ फाइल इसमें जो है इंपोर्ट हो जाएगी। ऐसे फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, मैं बस आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ कि आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस से इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सोशियोलॉजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करके कोई और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँ और इसमें पता भी नहीं चलेगा कि ये रिमूव है या ओरिजिनल है, तो मैं जैसे देखिए सोशियोलॉजी वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से पूरी तरह से हटा देता हूँ और मैं इसको हटा करके यहाँ पे टाइप करता हूँ हिंदी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जैसे हटाया इसमें इसका जो टेक्स्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, साइज वगैरह सभी ऑटोमेटिक ले लेगा, बस आपको एडिट करते चले जाना। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी डाल दिया। अगर मैं नीचे वाले को हटा करके अगर मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश टाइप करता हूँ तो बहुत ही आसानी से मैं इसको कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश भी टाइप कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं रिमूव करके आप बहुत ही आसानी से सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे फ्रेंड देखिए मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही टाइप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिजिटेक सेलेस हमने ले लिया, इस तरह से हम जो अपने चैनल का नाम यहाँ पे टाइप कर दिए। इसी तरह से फ्रेंड आपको जो भी इसमें करेक्शन करना हो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, कलर पे क्लिक करके आप उसको कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से अगर आपका कोई टेक्स्ट आप एडिट कर रहे हैं उसमें अगर गलती हो जाती है तो आप इसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं पूरी तरह से। इसके बाद रिमूव करने के बाद आप उसको सही से इसमें एडिट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर्स वगैरह आपको जो भी एडिट करना हो आप सिंपल उसमें एडिट कर सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे सब कुछ फाइनली एडिट हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा अप्लाई चेंजेस का। आप जब इसमें चेंज करेंगे, चेंज होने के बाद आपको इसमें अप्लाई चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपने जो इसमें नया डाला था वो प्रोसेसिंग लेकर के आपके डाटा में फिट हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसमें जो नया अभी एडिट किया है वो सब चीज़ इसमें अप्लाई हो जाएगी। आप इसको सेव करके रख लेंगे। फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।